हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटनी। आशा करूँ समस्ते भल सीपेट भल से प्रिपेयर करुवे। आपण मैंने समस्ते जानती बॉटनी रे ट्रेडिशनल पार्ट रु बहुत सारा क्वेश्चन आए। सीपेट रे मुख्यतः 40-30% ट्रेडिशनल पार्ट रु क्वेश्चन आए। से आज वीडियो रे मु गोटे इंपोर्टेंट ट्रेडिशनल टॉपिक नहीं के आसी जार नाम होची फंगी। सो आज वीडियो रे आमे फंगी को डिटेल से डिस्कशन करिबा एवं से कौ कौ पार्ट रु कौ टाइप रो क्वेश्चन आसे से सब गुड़ा को डिस्कशन करिबा। आपण माने जदि आमर टेलीग्राम आउ व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना ताले तार लिंक आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि, आपण माने जाई कि जॉइन करिपरिबे। तो चलंतु आरंभ करिबा। सो वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु प्रथमे आमे जानिबा कि फंगी रो कौ कौ पार्ट रु विशेष करि क्वेश्चन आसे सीपेट रे। तो फंगी रो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रही है तीन टा टाइप रे क्लासिफाई करिपरिबा। गोटे हूँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड हूँ क्लासिफिकेशन, थर्ड हूँ इम्पोर्टेंट जनरल, फोर्थ हूँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन आपण मान जनरल कैरेक्टरिस्टिक रु आसे, तापर क्वेश्चन आपण मान आसे क्लासिफिकेशन रु, एवं आपण मैंने जो जनरल गुड़ा पढ़ुले जमी फंगस रही प्रत्येक जेनेल किटा डायग्नोस्टिक फीचर यूनिक फीचर से सब गुड़ा क्वेश्चन रे आसे, एवं लास्टली तार इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसे कि कौ फंगी कौ डिजीज करे, कौ फंगी रु कौ प्रकार टॉक्सिन बाहर, कौ फंगस रु कौ प्रकार एंजाइम सिक्रेशन हुए, ये सब जिनस। तो आज वीडियो रे आमे तार टॉपिक नंबर वन को पढ़ा, सी हूँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। सो आज आम डिस्कसन करवा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगी, ता माने कौन कौन सब फीचर देखिकी गोटे प्लांट को आम फंगस बा फंगी बोली कहवा। सो फंगस कौन? सो फंगी आर द क्लोरोफाइलस थालोफाइट्स। ता माने कौन? आपण माने फंगी जार ओडिया मीनिंग होची कबक, संस्कृत रे जाउ आमे छतु बोली कहू। फंगी होची गोटे ए क्लोरोफाइलस, ता माने क्लोरोफिल विहीन गोटे थालोफाइटिक प्लांट। सो नेक्स्ट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ फंजाए इज नोन एज माइकोलॉजी और माइसेटोलॉजी। तो बायोलॉजी जो ब्रांच रे आम फंगी मान विषय स्टडी करें माइकोलॉजी और माइसेटोलॉजी कहचु। तो आउ दुटा इम्पोर्टेंट पॉइंट, फादर ऑफ माइकोलॉजी। सो फादर ऑफ माइकोलॉजी के आप समस्त जानती पी ए माइकेली इज नोन एज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। से भाया फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इज ए बटलर। सो ये दुटा ना आपण मानक मन रखापी पड़ो, जड़े हूँ फादर ऑफ माइकोलॉजी पी ए माइकेली, सेकेंड हूँ फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इज ए बटलर। सो आम देखा ये आम फंगी बोली कहू जहाँ आम ओडिया कबक बोली कहू, से मैंने कौटी देखा जाती हैबिटेट। बासस्थान जदि आम हैबिटेट कथा चिंता करवा, दे आर ओमनी प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट एव्रीवेयर, प्राय जगार से देखा जाती, बट मोस्टली दे आर टेरिस्ट्रियल, विशेषकर से माने मोइस्ट एरिया रे विशेषकर देखा जाती, बट देर आर लेस एग्जांपल व्हिच आर एक्वाटिक इन हैबिटेट। एक्वाटिक भितर गोटे आम फंगस रोचे जार नाँ साप्रोलेग्निया, से हूँ एक्वाटिक। साप्रोलेग्निया को आम अदरवाइजली
वाटर मोल्ड मध्य को ओके सो अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट दे आर मोस्टली टेरिस्ट्रियल बट दे आर फाउंड इन द मोइस्ट एरिया बट देर इज सम एक्सेप्शन व्हिच इज सैप्रोलिग्निया व्हिच इज फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट सो नेक्स्ट आम चिंता करवा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर टू व्हाट इज थालस ऑर्गेनाइजेशन सो द प्लांट बॉडी ऑफ द फंगस इज ए थालोफाइट दैट मीन्स द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दे आर मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ और ए मास ऑफ सेल इज नोन एज थालस जो थालस रही थालस ऑफ फंगी मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मुख्यतः से माने मल्टीसेलुलर किंतु एग्जांपल ईस्ट भली केतक फंगस अछंदी दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर यदि आम सेल स्ट्रक्चर कथा चिंता करिबा दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर विथ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स ऑल द सेल्स ऑफ द फंगस आर यूकैरियोटिक दैट मीन्स दे कंटेन्स ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस along with all cell organelles cell wall is present except slime molds so sabu fungus re cell wall thai tuna ame fungus mananku plant category re count karuchu kintu goti exception hochi slime mold jo group of fungus achanti semanankar konosi cell wall dekha jaeni tena ame taku naked protoplasm boli kahu jodi cell wall thae the cell wall is made up of a special type of carbohydrate is known as chitin in the cell of the fungus ग्लाइकोजेन इज द रिजर्व फूड मटेरियल सो व्हिच इज ए एनिमल कैरेक्टरिस्टिक सो आपण माने जानते कि प्लांट रे मुख्यतः रिजर्व फूड मटेरियल स्टार देखा जाए किंतु फंगस माने रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजेन देखा जाए व्हिच इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल आल्सो जदि आमे मोटाइल सेल बा फ्लाजेला कथा चिंता करिवा इन लोअर फंगस लाइक ग्रुप फाइकोमाइसिटिस रे थाए एंड इट इज अब्सेंट इन हायर फॉर्म दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द थालस ऑर्गेनाइजेशन जदि गोटे फंगस रे प्लांट बॉडी कथा चिंता करिबा फंगस रे प्लांट बॉडी मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी किछिटा फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रे तयारी तो फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आम कहू हाइपा एवं हाइपा गुड़ा गोटे फंगल बॉडी रे गोटे नेटवर्क तैयारी करती से नेटवर्क को कौच आम माइसेलियम सो द प्लांट बॉडी ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ ए फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज हाइपा एवं गोटे फंगल बॉडी रे हाइपा गुड़ा गोटे इंटरहबन हो कि गोटे मास तैयारी करती जो मास को आम माइसेलियम कहचु ये जो हाइपा अच्छी हाइपा रे किछे किछे डा हाइपा रे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रे क्रॉस वाल बा सेप्टा थाए से क्रॉस वाल आउ सेप्टा अनुसारे
ଆମେ ହାଇପା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। କିଛି କିଛିଟା ତୁମର ହାଇପା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଏସେପ୍ଟେଟ। ଆଉ କିଛି କିଛି ହାଇପା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହାଇପାରେ କିଛି କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେପ୍ଟେଟ। ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶେଇବା ତ ଏଭଳିଆ ହାଇପେ, ଯେଉଁ ହାଇପେରେ କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଏସେପ୍ଟେଡ। ଏସେପ୍ଟେଡ ହାଇପାରେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡ଼ିରେ କୌଣସି କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୋଇନୋସାଇଟିକ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ଏ ଏସେପ୍ଟେଡ ହାଇପେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ କି ଫଙ୍ଗସର ଆଲଗାଲରୁ ଓରିଜିନ୍, ଆଲଗିରୁ ଓରିଜିନ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାଉକେରିଆ ଭଳି ଆଲଗିରେ ଏଭଳିଆ ଥାଲସ୍ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି କି ଫଙ୍ଗସଟା ଆଲଗିରୁ ଓରିଜିନ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏସେପ୍ଟେଡ ହାଇପା କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋୟର ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଫାଇକୋମାଇସିଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟିଗୋମାଇସିଟିସ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଲୋୟର ଫଙ୍ଗସରେ ଏସେପ୍ଟେଡ ହାଇପା ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଭିତରେ କି ହାଇପା ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଗ୍ରୁପରେ କିଛି ଏଭଳିଆ ହାଇପା ଅଛି ଯେଉଁ ହାଇପାରେ ଫିଲାମେଣ୍ଟସରେ କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ହାଇପାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରେ। ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମେ ବି ୟୁନିକାରିଓଟିକ୍ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଡାଇକାରିଓଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସୋ ହିୟର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେପ୍ଟେଡ୍ ହାଇପା। ଏ ସେପ୍ଟେଡ୍ ହାଇପାରେ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଏ କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ପୋର୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ପୋର୍ ହାଇପାର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରେ, ଏବଂ ଏଇ ପୋର୍ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଥରେ ସେପ୍ଟେଡ୍ ହାଇପା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ପୋର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡୋଲି ପୋର୍। ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗସରେ ଫଙ୍ଗସର ହାଇପାରେ ସିମ୍ପଲ୍ ପୋର୍ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପୋର୍ଡ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତା'ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପୋର୍ ଥିବ, ଯେଉଁ ପୋର୍ଟା କ'ଣ କରିବ ନା ହାଇପାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏସ୍କୋମାଇସିଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟେରୋମାଇସିଟିସ୍, ଦିଜ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପ୍ସ କଣ୍ଟେନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ପୋର୍ଡ ସେପ୍ଟେଡ୍ ହାଇପେ। ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆଲଗି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫର୍ମରେ କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଟାଇପ୍ର ପୋର୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ପୋର୍କୁ କି ଉଭୟ ପଟୁ କିଛି ଜିନିଷ ଗାର୍ଡ଼ କରିକି ରଖିଥାଏ ବା କଭର୍ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁ ସେପ୍ଟା ପୋର୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଗାର୍ଡ଼ କରିକି ରଖିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଡୁଲି ପୋର୍ ସେପ୍ଟା ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ଏହି ସେପ୍ଟାର ଉଭୟ ସେପ୍ଟା ପୋର୍ରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆବରଣ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ସେ ଆବରଣକୁ ପ୍ୟାରେନ୍ଥୋଜୋମ୍ ବୋଲି କହୁ। ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରାନ୍ଥୋଜୋମ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ୍ ଡୋଲି ସିମ୍ପଲ୍ ପୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଲି ପୋର୍ ସେପ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରାନ୍ଥୋଜୋମ୍ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ପୋର୍ଡ ସେପ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଲି ପୋର୍ ପୋର୍ଡ ସେପ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରେ, ଏବଂ ଏ ଡୋଲି ପୋର୍ ସେପ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ ହାୟର ଫର୍ମର ଫଙ୍ଗସରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବେସିଡ଼ିଓ ମାଇସେଟିସ୍ ବୋଲି କହୁ। ସୋ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ଫଙ୍ଗସର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡ଼ିଟା କିଛି ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ତିଆରି, ଯାହାକୁ ଆମେ ହାଇପା ବୋଲି କହୁଛୁ, ସିଙ୍ଗୁଲାର୍ରେ ହାଇପେ। ସେ ହାଇପା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗାଲ ବଡ଼ିରେ କିଛି କଟନି ମାସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଇସେଲିୟମ୍ ବୋଲି କହୁ। ଏ ଯେଉଁ ହାଇପା ଅଛି କିଛି କିଛିଟା ହାଇପାରେ କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ବା ସେପ୍ଟା ଥାଏ, ସେ କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ବା ସେପ୍ଟା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫଙ୍ଗସରେ ଯେତିକି ହାଇପା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସେପ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେଡ୍। ଏସେପ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ଏଭଳିଆ ହାଇପା ଯେଉଁ ହାଇପାରେ କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ବା ସେପ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କ୍ରସ୍ ୱାଲ୍ ବା ସେପ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ହାଇପାସ୍
सिंगल सेल भाव बिहेव करे एवं एही कंडीशन को आम कोइनोसाइटिक कंडीशन बोली कहू। आर एग्जांपल होची लोअर फंगस फाइकोमाइसेटिस राइजोपस म्यूकर पेनिसिलियम भली लोअर फंगस आउ मास्टिगोमाइसेटिस ए दुटा ग्रुप रे ए सेपरेट हाइपा देखा जाए। जदि आम सेपरेट कथा चिंता करिबा हाइपा रे क्रॉस वॉल प्रेजेंट थाए बा सेप्टा प्रेजेंट थाए जो जो हाइपा रे तमन सेप्टा प्रेजेंट थाए ताको आम सेप्टेड हाइपा बोली कहूचु। ए सेप्टेड हाइपार काम होची सेप्टा बा क्रॉस वॉल हाइपा को डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट क्लासीफाए करे जो कंपार्टमेंट भितर गोटे रु दुईटा न्यूक्लियस थाए एवं ए सेप्टा बा क्रॉस वॉल रे बेले बेले पोर प्रेजेंट थाए जो पोर गोटे कंपार्टमेंट आउ गोटे कंपार्टमेंट भितर न्यूट्रिशन कम्युनिकेशन करे एवं से पोर अनुसार पुणी थरे सेप्टेड हाइपा दुई प्रकार थाए गोटे होती सिंपल पोर आउ गोटे होती डोली पोर। सिंपल पोर माने कौन ना कि एस्कोमाइसेटिस आउ ड्यूटरोमाइसेटिस ग्रुप ऑफ फंगस रे सिंगल पोर देखा जाए जो पोर रो आउटर साइड रे कौन सी प्रकार प्रोटेक्शन न थाए कि अपर पक्ष देखा बेसीडियोमाइसेटिस भाई किसी एडवांस ग्रुप ऑफ फंगस रे से पोर चारिपटे किसी स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन थाए जहाँ आम पेरेन्थोजोम कहूँ से ही भाया पोर थी सेप्टा को आम डोली पोर सेप्टा बोली कहू। ठीक अच्छे सो देखा फंगस रे जेहेतु फंगस माने ए क्लोरोफाइल से माने बाहर क्लोरोफिल नाही दे डू नॉट एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस देयर फंगल हाइपा आर मोडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। तो फंगस मानकर हाइपा गुड़ाक किछि किछि जगार मोडिफाइड हो जाती और मोडिफाई होकर से स्पेशल फंक्शन करते। सो नेक्स्ट आम देखा हाइपर मोडिफिकेशन इन फंगस। तो मुख्यतः फॉलोइंग टाइप रो मोडिफिकेशन देखा जाए प्रथम हो प्रोजेन कायमा। तो किसी किसी फंगस रे फंगल हाइपा गुड़ाक मोडिफाई होकर तुम पेरेन कायमा भाई स्ट्रक्चर तैयारी करती जहाँ आम प्रोजेन कायमा बोली कहू। ये प्रोजेन कायमार काम होने मुख्यतः जितेबाला तुम बेसीडियो मैसेटिस आम पढ़ू बेसीडियो मैसेटिस आम बेसीडियो पोर कथा चिंता करूँ जो आम छतु भाव खाऊ से ही समय रे फंगल हाइपा गुड़ा लुजली एरेंज होकर तुम पेरेन कायमा स्ट्रक्चर तैयारी करते जहाँ आम प्रोजेन कायमा बोली कहू। नेक्स्ट होती स्पूडो पेरेन कायमा ये भी से भाया फंगल हाइपा गुड़ाक लुजली एरेंज होने पेरेन कायमा स्ट्रक्चर तैयारी करेंगे जहाँ आम प्रोजेन स्पीडो पेरेन कायमा बोली कहूँ। जमी आपने म्यूकर देखिपे फिम्पी भाया गोटे कटनी मास स्पीडो पेरेन कायमा बोली कहूँ। नेक्स्ट हूँ राइजोमॉर्फ ये आपण बहुत इंपोर्टेंट। तो बेले बेले किटा साप्रोफाइटिक फंगस रे विशेषकर छतु भाया फंगस मानक आगारिकस भाई फंगस मानक फंगल हाइपाटा रूट लाइक स्ट्रक्चर तैयारी कैं से रूट लाइक स्ट्रक्चर को आम राइजोमॉर्फ बोली कहूँ। रूट लाइक स्ट्रक्चर काम कौन राइजोमॉर्फर काम कौन एम मुख्यतः होस्ट बॉडी रु न्यूट्रिशन ऑब्जर्प्शन आउ अटैचमेंट रे हेल्प करती। नेक्स्ट होची स्क्लेरोटिया। तो क्लाबिस भली तुम के फंगस अच्छा से क्षेत्र में गोटे कंपैक्ट स्ट्रक्चर देखा जाए जहाँ आम स्क्लेरोटिया बोली कहू। स्क्लेरोटिया अनफेवरेबल कंडीशन रे बंचिकी रहे एवं जितेबाला कंडीशन टा फेवरेबल आसे ये आपण मान वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रे हेल्प करे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट होची आप्रिसोरियम। आप्रिसोरियम कौन ना किछिटा फंगस अच्छा जो माने एक्टो पारासाइट ता माने फंगस रो बाहर रही कि होस्ट रो बाहर रही कि से माने न्यूट्रिशन डिराइव करती से भलिया फंगस मानकरे फंगल प्लांट बॉडी मोडिफाई होकर आप्रोपोसियम नामक एक स्ट्रक्चर तैयारी करे जो माने होस्ट सरफेस उपरे ग्रो करती एवं से माने होस्ट बॉडी भितर न्यूट्रिशन करिवारे साहाज्य न्यूट्रिशन डिराइव करिवारे साहाज्य करती ताको आम एप्रोस्पोरियम बोली कहूँ। मुख्यतः ए प्रकार मोडिफिकेशन एक्टो पारासाइटिक फंगस देखा जाए। नेक्स्ट होची होस्टेरियम। देखु जेहेतु मुझे सीपेट पर पढ़ाऊँ जो जो जिनस इम्पोर्टेंट जोटू आपण मान प्रश्न आसवर संभावना रही गुड़ाक ही मुझे पढ़ाऊँ और सर्टकट्रे पढ़ाऊँ। आपण मैंने अलरेडी
निजर थ्री इयर ग्राजुएसन ये सब जिनस पढ़ी ओके सो से मुझे स्पीड स्पीड में चलती होस्टेरिया किटा फंगस अच्छा जो मैंने होस्ट बॉडी भितर ग्रो करती जहाँ आम एंडोपारासाइट बोली कहू से माने होस्ट टिश्यूरु न्यूट्रिशन डिराइव करने किसी स्पेशल टाइप रो मॉडिफिकेशन करती जहाँ आम होस्टेरिया कहूँ जमी आप शुनि आलुगो फाइटोपाथरा भाई जो एंडोपारासाइटिक फंगस रही होस्ट बॉडी रु न्यूट्रिशन डिराइव करने स्पेशल टाइप रो हाइपर मॉडिफिकेशन करती जहाँ आम होस्टेरिया कहू ओके सो स्ट्रोमा एंड स्नापर दीज आर नॉट इंपोर्टेंट से आपको डिस्कस करूनी तुम विशेषकर यही चार्टा को मन रख दीज फोर आर भेरी भेरी इंपोर्टेंट राइजोमर्फ स्क्लेरोटियम एप्रोस्पोरियम एंड होस्टेरिया राइजोमर्फ काम हो रूट लाइक ऑब्जर्प्शन हेल्प करे स्क्लेरोटियम क्लाविसेप्स वाली फंगस देखा जाए जी कि कंपैक्ट स्ट्रक्चर जे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करे एप्रोस्पोरियम एक्टोपारासाइट देखा जाए जी न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करे एवं होस्टेरिया एंडोपारासाइट देखा जाए जो थी आपण मानको न्यूट्रिशन डिराइव करिवारे सहाय्य करे ओके सो नेक्स्ट आम देखिबा न्यूट्रिशन इन फंगी आम समस्ते जानी कि फंगस आर द ए क्लोरोफाइलस means they lack chlorophyll pigment so they are unable to prepare their own food by photosynthesis so their mode of nutrition is heterotrophic parabodhi nutrition tenu smanakra nutrition type anusara ami punthare fungal nutrition ko bahut bhal vyakt karchu number 1 hochi saprophytic number 2 parasitic number 3 symbiotic number 4 predaceous to kichi ta fungus achandi semane डेड ऑर्गेनिज्म रु न्यूट्रिशन डिराइव करती जो फंगस माने डेड ऑर्गेनिज्म रु न्यूट्रिशन डिराइव करती आम साप्रोफाइटिक फंगस बोली कहू तो ये कौन करती लाइक एनिमल एनिमल मान भली कौनसी फूड मटेरियल डाइजेशन करती ना साप्रोफाइटिक जो फंगस अच्छा मुख्यतः छतु से माने डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन करती तो डाइजेस्टिव एंजाइम माने कौन करती ना साप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म ऊपर पकाती तो डाइजेस्टिव एंजाइम गुड़ाक बाहर डेड ऑर्गेनिज्म रु ताकु डाइजेस्ट करे और डाइजेस्ट हेला परे फंगस बॉडी ताकु कौन करती ना अब्जर्व करके नियंती सो आर एग्जांपल होजी तुम्हारो पेनिसिलियम एगारिकस राइजोपस इत्यादि सो नेक्स्ट कैटेगोरी होची पारासाइटिक फंगस तो किटा फंगस अच्छा से फंगस माने कौन करती ना अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रु अदर लिविंग आउ प्लांट रु न्यूट्रिशन डिराइव करती तो जो फंगस अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रु न्यूट्रिशन डिराइव करे ताको आमे पारासाइटिक फंगस बोली कहू किंतु पारासाइटिक फंगस पुणी थरे सेमानकर डिग्री अनुसार पारासाइटिक फंगस दुई प्रकार अच्छा गोटे हूँ ऑब्लिगेट पारासाइट आ गोटे हूँ फैकल्टेटिव पारासाइट तो ऑब्लिगेट पारासाइटिक कौन ना किटा फंगस अच्छा से माने केवल ओनली होस्ट बॉडी भितर बंची पारे से आम ऑब्लिगेट पारासाइट बोली कहचु से माने होस्ट रो बॉडी भितर जमा भी बंची पारे ना आर एग्जांपल होची एरिप्सी जे पाउडरी मिल्डवे डिजीज करे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट रे से माने ओनली केवल होस्ट बॉडी भितर बंची पारे होस्ट बॉडी रु बाहर बाहर से माने बंची पारे ना से भाया पारासाइटिक फंगस को आम ओब्लिगेट पारासाइट फंगस बोली कहो नेक्स्ट होची फैकल्टेटिव पारासाइटिक फंगस तो किसी एभलिया पारासाइटिक फंगस अच्छा जो मैंने बेसिकाली पारासाइट पर से माने साप्रोफाइटिक भली मध्य बंची पारे तो माने होस्ट से कंपलसरी नुह से भाया फंगस मानक आम फैकल्टेटिव पारासाइटिक फंगस बोली कहो जमी तुम पक्सीनिया ग्रामिनिस जे व्हीट रे ब्लैक रस्ट डिजीज करे से आपण मानकर होस्ट बॉडी भितर बंची पारिबो ता सहित एमाने सॉइल रे मुख्यतः डिकम्पोजर भावे मध्ये बंची पारिबे तेणु से आम फैकल्टेटिव पारासाइटिक फंगस बोली कहचु
एगेन पारासाइटिक फंगस रो पोजीशन अनुसार पारासाइटिक फंगस दुई प्रकार गोटे हूँ एक्टोपारासाइटिक फंगस गोटे हूँ एंडोपारासाइटिक फंगस। सो एक्टोपारासाइटिक फंगस कौन ना किछिटा फंगस अछंदी से माने होस्ट बॉडी रो भीतर को न जाई कि बाहर रही कि से मानक न्यूट्रिशन डिराइव करिवे से बोलिया फंगस को हम एक्टोपारासाइटिक फंगस बोली कहउछु। जार एग्जांपल होउछि एरिस पी पाउडरी मिल्डवे डिजीज करे से केवल फंगस रो होस्ट बॉडी रो आउटसाइड रे रहबो न्यूट्रिशन डिराइव करे एवं आवरी बहुत सारा फंगस अच्छा से माने होस्ट रो बॉडी भीतर रहिकी ग्रो करिवे एवं से न्यूट्रिशन डिराइव करिवे जेमि तुम आल्बुगो फाइटोपथरा दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एंडो पारासाइटिक फंगस। ठीक अछि। सो नेक्स्ट आमे जिबा सिम्बायोटिक फंगस। तो किछटा फंगस अछंदी से माने अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म सहित सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रे रही कि न्यूट्रिशन डिराइव करते। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन जहाँ जो रिलेशनशिप रे उभय ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल हुआ ताको आमे सिम्बायोटिक फंगस बोली कहूँ। आपण माने जानती लाइकेन रे आल्गी आउ फंगाई आपण म्यूचुअल एसोसिएशन रे रुहंती जोठी आल्गी फंगस को फूड मटेरियल प्रोवाइड करे जहाँ बदल रे फंगी आल्गी को कार अम्लजान एवं मॉइश्चर प्रोवाइड करे। से भाई आउ गोटे एग्जांपल हूँ माइकोराइजा जो थे कि हायर प्लांटर रूट आउ फंगस मानक मध्यरे म्यूचुअल एसोसिएशन हुए जो थे आपण मानकर हायर प्लांटर रूट प्रोवाइड करे न्यूट्रिशन जा बदल रे फंगस वाटर आउ मिनरल अब्जॉर्प्शन रे हेल्प करे। ठीक अच्छे। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज प्रीडोसियस फंगस। तो किछटा फंगस अछंदी एभलिया जो फंगस माने अन्य ओअर मानंकु मुख्यतः आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा ग्रुप रो ऑर्गेनिज्म मानंकु मारिकी सेमानक ठारु न्यूट्रिशन प्रोवाइड करंदी। तो जो फंगस अन्य ओअर मानंकु किल करके निजर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे ताको हम प्रीडोसियस फंगस बोली कहू। तो आपण माने जो जानिथिबे गोटे फंगस अच्छी जे हिमालय ग्रोड कले जाक आम काटरपिलर काडिसेप्स बोली कहू। से माने मुख्यतः काटरपिलर लार्वा को ग्रो करी से माने बंचंती। सो आर एग्जांपल आपण माने मन रखंतु डाटी लीला आर्थ्रोब्रोथिस क्राडिसेप जूफैज इटीसी। ओके। सो न्यूट्रिशन इज ओवर। सो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट थिंग देखिबा आमे रिप्रोडक्शन इन फंगी। तो फंगस माने अन्य ऑर्गेनिज्म मानक भली मुख्यतः तीनटा मेथड रिप्रोडक्शन करंती गोटे हूँ भेजिटेटिव मेथड आउ गोटे असेक्सुआल मेथड आउ गोटे सेक्सुआल मेथड किंतु सेमानकर इनवॉल्वमेंट अनुसार रिप्रोडक्शन को आम दुई भाग विभक्त करछु गोटे होलोकार्पिक आउ गोटे यूकार्पिक। किछटा फंगस रे एंटायर थालो सेमानकर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाए। जो फंगस रे एंटायर थालो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाए से फंगस मानक आम होलोकार्पिक फंगस बोली कहू। जमी तुम ईस्ट सिंचाइट्रियम ये जो फंगस अच्छा यूनिसेलुलर फंगस से मानकर एंटायर प्लांट बॉडीटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रे कन्वर्ट हो जाए। किंतु जदि अपर पक्ष आम देखा एभलिया फंगस अच्छा जार केवल थालस रो किछटा अंश रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रे कन्वर्ट होउची ताको आमे यूकार्पिक फंगस बोली कहूँ। जमी तुम जी सब हायर फंगस अच्छा जमी एस्कोमाइसीटिस ग्रुप रुम बेसीडियोमाइसीटिस ग्रुप रायर फंगी मानकर से मानकर यूकार्पिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए। तो एथुरी सीपेट रे बहुत थोड़ा क्वेश्चन आसी तेणु आपको आपण मैंने देखिए। प्रथम आम देखा वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन ना जदी
फंगस तार जेकोसी गोटे भेजिटेट पार्ट रु कि अलग अर्गानिजम तामें भेजिटेट रिप्रडक्शन कहचु जमी आम फ्रागमेंटेसन फ्रागमेंटेसन कौन ना कि फिलामेंटस आलगी कौन हुए कि कारण एक्सीडेंटल कारण जेकोसी कारण फंगस हाइपाटा ब्रेक होगा दीटा हाइपा दीटा खंड होगा तेल प्रत्येक खंड परवर्त समय गोटे नुआ नुआ हाइपा तैयारी करती एक प्रकार न्यूट्रिशन को आम फ्रागमेंटेसन कह मुख्यतः फिलामेंटस फंगस राइजोपस पेनिसिलियम म्यूकर एमं मुख्यतः फ्रागमेंटेसन भली वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाए। सेकेंड हूँ बडिंग बडिंग कौन किटा फंगस अच्छा से मैंने बडी रू कि आउटग्रोथ या रिप्रडक्शन करती जदि गोटे फंगस बडी रू आउटग्रोथ बाहर करजर रिप्रडक्शन कलाक आम बडिंग कौचु जदि आम उदाहरण देखा वेल नोन उदाहरण इज ईस्ट तो ईस्ट कौन कै जब फेवरेबल कंडीशन हुए ता बडी रू गोटे आउटग्रोथ डेभलप कै परवर्त समय सीसा न्यूक्लियस डिजन करा न्यूक्लियस कै एवं गोटे न्यूक्लियस से तार आउटग्रोथ भितर को प्रोवाइड कर दिए परवर्त समय से तार प्लांट बॉडी मदर बॉडी आउ बड भितर गोटे सेप्टम तैयारी करे एवं यही सेप्टम तुम प्लांट बॉडी आउ से बड को अलग कर दिए परवर्त समय बड टी मातृगर्भर मातृ शरीर अलग है सी इंडिपेंडेंट ग्रो करे जितेबाला न्यूट्रिशन अधिक हो जाए ईस्ट कौन करे ना गोटे चेन गोटे बड रोटे चेन तैयारी करे एवं ए बड रोटे चेन को आम स्पीडोमाइसिलियम कहू बडिंग टाइप रिप्रोडक्शन टा आपण मानकर ईस्ट एवं बेसिडियोमाइसिटिस किसी ग्रुप देखा जाए। नेक्स्ट हूँ स्क्लेरोटियम सो स्क्लेरोटिया कौन ना क्लाविसेप भली किछडा फंगस रे अनफेवरेबल कंडीशन रे सेमानकर फंगस हाइपार प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट गोटे जगह एग्रिगेशन हुए एवं से कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्ट्रक्चर तैयारी करते स्क्लेरोटियम कहा जाए जो स्क्लेरोटियम अनफेवरेबल कंडीशन रे सर्वाइव करके रहे एवं फेवरेबल कंडीशन आसिले से पुनी जर्मिनेट करके नुआ फंगस दिए आपको आम स्क्लेरोटिया कहू एवं स्क्लेरोटिया मुख्यतः क्लाविसेप भली फंगस देखा जाए। नेक्स्ट हूँ ओइडियम तो किटा फिलामेंटस फंगस रे तार टर्मिनाल पार्ट रो ब्रेक है कि छोटिया छोटिया खंड तैयारी करती जहाँ ओइडियम कहू एवं ये छोटिया छोटिया खंड जिते बी गोटे उपयुक्त सब्ट्राक्टम पड़े से जर्मिनेट करके नुआ अर्गानिजम सृष्टि कै जहाँ आम ओइडियम कहू मुख्यतः ओइडियम टाइप रिप्रोडक्शन तुम बेसिडियोमाइसिटिस ग्रुप अफ फंगस देखा जाए। सो नेक्स्ट हूँ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन जदि गोटे रिप्रोडक्शन केवल गोटे ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वमेंट एवं सेथिरे जदि किछि रिडक्शनल डिविजन बा मेयोसिस होना से ही प्रकार रिप्रोडक्शन को आम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहू मुख्यतः फंगस मानकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन करती स्पोर होची गोटे स्पेशल टाइप रो एसेक्सुअल बॉडी जोटा गोटे फंगस बॉडी तैयारी हुए एवं सी जेतेबेले जाएगी गोटे उपयुक्त एनवायरनमेंट रे पड़े सी जर्मिनेट करे एवं नुआ ऑर्गेनिज्म सृष्टि करे एवं फंगस मानकर स्पोर डिफरेंट टाइप रहीता से स्पोर रो स्ट्रक्चर आउ फंक्शन को भित्ति करके पुणी थरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफरेंट टाइप रे क्लासिफाई कराई से मधुर फास्ट होची जूस्पोर तो जूस्पोर कौन दीज आर द यूनिन्यूक्लिएटेड स्पोर एंड फ्लाजेलेटेड स्पोर एंड आर मोटाइल तो जूस्पोर कौन एम यूनिन्यूक्लिएटेड स्पोर एम मोटाइल बा फ्लाजेलेटेड स्ट्रक्चर थाए एम फंगस रो स्पेशल प्लांट बॉडी तैयारी होती जहाँ आम जूस्पारांजियम कहू और जूस्पारांजियम माइटोटिक डिविजन फ्लोर एवं तैयारी हूँ एवं जितेबले गोटे उपयुक्त सब्ट्राक्टम पड़ती सी जर्मिनेट करती आउ गए नुआ अर्गानिजम सृष्टि करती आर एग्जांपल हूँ जी फाइकोमाइसिटिस ग्रुप अच्छा राइजोपस म्यूकर पेनिसिलियम एम क्षेत्र में मुख्यतः जूस्पोर देखा जाए। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट इज कोनिडिया तो किटा हायर फंगस
ସେମାନେ କିଛି ଏକ୍ଜୋଜିନିୟସ୍ ନନ୍ ମୋଟାଇଲ୍ ଥିନ୍ ୱାଲ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କନିଡ଼ିଆ। ସୋ କନିଡ଼ିଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ? କନିଡ଼ିଆ ଆର୍ ଦ ନନ୍ ମୋଟାଇଲ୍ ଥିନ୍ ୱାଲ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ ଏଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ଜୋଜିନିୟସ୍ଲି। ଏକ୍ଜୋଜିନିୟସ୍ଲି ମାନେ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟା ଫଙ୍ଗାଲ ବଡ଼ିର ହାଇପାର ବାହାରେ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜୋଜିନିୟସ୍ ସ୍ପୋର୍ ବୋଲି କହୁ। ଏଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ମେ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସଡ୍ ସିଙ୍ଗଲି ଅର୍ ଇନ୍ ଏ ଚେନ୍। ତ କନିଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜୋଜିନିୟସ୍ଲି ସିଙ୍ଗଲି ତିଆରି ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଚେନ୍ରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଯଦି ଚେନ୍ରେ ତିଆରି ହୁଏ ସେମାନେ ବେଶି ପେଟାଲ ମେନର୍ରେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ବେଶି ପେଟାଲ ମାନେ କ'ଣ? ନା ସକ୍ସେସନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ରୋପେଟାଲ ସକ୍ସେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶି ପେଟାଲ ସକ୍ସେସନ୍। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଓଲ୍ଡର ବା ପୁରୁଣା କନିଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉଟର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବଂ ନୂଆ ଗୁଡ଼ାକ ଇନର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବେଶି ପେଟାଲ ସକ୍ସେସନ୍ ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ଏ କନିଡ଼ିଆ ଫର୍ମେସନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଓଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ପଛରେ ଥିବ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ତୁମର ମଦର ବୋର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ଥିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ସକ୍ସେସନ୍କୁ ଆମେ ବେଶି ପେଟାଲ ସକ୍ସେସନ୍ ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ କନିଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସ୍ପ୍ରେଜିଲସ୍, ପେନିସିଲିୟମ୍, ପାଇଥିୟମ୍ ଏବଂ ଫାଇଟୋପାଥୋରା ଭଳି ଫଙ୍ଗିମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫଙ୍ଗସ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ତିଆରି କରୁଛି କନିଡ଼ିଆ, ତାକୁ ଆମେ କନିଡ଼ିଆ କନିଡ଼ିଓ ସ୍ପୋର୍ ବୋଲି କହୁ। ତ କନିଡ଼ିଆ ମେ ବି ସିଙ୍ଗଲି ତିଆରି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ ଏ ଚେନ୍ରେ ତିଆରି ହେଇପାରେ। ତ କନିଡ଼ିଓ ସ୍ପୋର୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ମେ ବି ତୁମର ସିଙ୍ଗଲ ହେଇପାରେ, ଅନବ୍ରାଞ୍ଚଡ଼୍ ହେଇପାରେ, ବ୍ରାଞ୍ଚଡ଼୍ ହେଇପାରେ, କି ଆପଣମାନଙ୍କର କନିଡ଼ିଆ ରାଇଜୋ ସ୍ପୋର୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର କନିଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେନିସିଲିୟମ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କନିଡ଼ିଓ ସ୍ପୋର୍ର ଟର୍ମିନାଲ ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଲିକି ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇକି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭେସିକଲ୍ସ ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ସେଇ ଭେସିକଲ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବାହାରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ କନିଡ଼ିଓ ଜିନସ୍ ସେଲ୍ ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ଏ କନିଡ଼ିଓ ଜିନସ୍ ସେଲ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କନିଡ଼ିଆ ବାହାରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଚେନ୍ ଆକାରରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କନିଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠୁ ଡିଟାଚ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ପଡ଼େ, ଇଏ ଜର୍ମିନେଟ୍ କରେ ଏବଂ ଜର୍ମିନେଟ୍ କରିକି ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପିକ୍ନିଡ଼ିଓ ସ୍ପୋର୍। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ କନିଡ଼ିଆ ଲାଇକ୍ ବଡ଼ିଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସଡ୍ ଇନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ସେପ୍ର କେଭିଟିସ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ପିକ୍ସିନିଆ। ତ ପକ୍ସିନିଆ ଗ୍ରାମିନିସ୍, ଯିଏକି ବ୍ଲାକ୍ ରଷ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ କରେ ହ୍ୱିଟ୍ରେ, ତା ଦେହରେ କିଛି କନିଡ଼ିଆ ଭଳିଆ କିଛିଟା ଫ୍ଲାଗ୍ ସେପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପିକ୍ନିଡ଼ିଓ ସ୍ପୋର୍ ବୋଲି କହୁ। ଯେଉଁ ପିକ୍ନିଡ଼ିଓ ସ୍ପୋର୍ ଯେତେବେଳେ ମଦରବୋର୍ଡ଼ରୁ ଡିଟାଚ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ପଡ଼େ, ଜର୍ମିନେଟ୍ କରେ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡ଼ି ତିଆରି କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପ୍ଲାନୋ ସ୍ପୋର୍। ତ ଫଙ୍ଗସ୍ମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଇଜୋପସ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁକର୍ରେ କିଛିଟା ଥିକ୍ ୱାଲ୍ଡ ନନ୍ ମୋଟାଇଲ୍ ସ୍ପୋର୍ ତିଆରି ହୁଏ। ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ଭଳି କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ହାଇପାରେ ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାନୋ ସ୍ପୋର୍ ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ଆପ୍ଲାନୋ ସ୍ପୋର୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଇଜୋପସ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁକର୍ ଭଳି ଫଙ୍ଗସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁରେଡ଼ୋସ୍ପୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଡ଼ୋସ୍ପୋର୍। ତ ପକ୍ସିନିଆ ଯେଉଁ ବାସିଡ଼ିଓ ମାଇସେଟିସ୍ର ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ବାଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ଼୍ ସ୍ପୋର୍ ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ବି ତୁମର ସ୍ପୋର୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ଅଲ୍ ଆର୍ ୟୁନି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ଼୍ ସ୍ପୋର୍, ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ପକ୍ସିନିଆ ଦେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଏ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ସ ୱିଚ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଏଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ସ ଆର୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ୟୁରେଡ଼ୋସ୍ପୋର୍ ଅର୍ ଟେଲିଡ଼ୋସ୍ପୋର୍। ତ ଇଏ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କି ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବାଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ଼୍ ସ୍ପୋର୍, ଯଦି ସେ ଭିତରେ ୟୁରେଡ଼ୋସ୍ପୋର୍ ଆଉ ଟେଲିଡ଼ୋସ୍ପୋର୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ୟୁରେଡ଼ୋସ୍ପୋର୍ ଅର୍ ଟେଲିଡ଼ୋସ୍ପୋର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବଢ଼ିବା ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଫଙ୍ଗାଇ। ସୋ ଅଲ୍ ଫଙ୍ଗି ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟେରୋମାଇସେଟିସ୍। ସମସ୍ତ ଫଙ୍ଗି ସେକ୍ସୁଆଲି ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟେରୋମାଇସେଟିସ୍, ଯିଏ ସେକ୍ସୁଆଲି ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡ୍ୟୁଟେରୋମାଇସେଟିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ଆମେ ଫଙ୍ଗି ଇନ୍ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଫର୍ମେସନ୍। ତା ମାନେ ଆମେ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ ଗେମିଟ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଗେମିଟ୍ର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଏ, ସେଥିରୁ ଜାଇଗୋଟ୍ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଜାଇଗୋଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମ୍ବ୍ରିଓ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍ଗାଇ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓ। ଓକେ,
नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्स ऑर्गन इज नॉन जैकेटेड ता माने सेक्स ऑर्गन आपण मानकर नेक थाए सेक्स ऑर्गन चारि पटे किछि सेल ताकु कवर करिकि रखे नाही सो सेक्स ऑर्गन आर नॉन जैकेटेड नेक्स्ट पॉइंट मेयोसिस अक्यूर्स एट जाइगोट तो जाइगोट रे मेयोसिस हुए कोनोसी गैमिट फॉर्मेशन कला बेले मेयोसिस हुए नाही किंतु आमे प्लांट आउ एनिमल देखिबा मुख्यतः प्लांट आउ एनिमल रो बॉडी होची डिप्लॉयड एवं स्पोर फॉर्मेशन कला बेले मेयोसिस हुए किंतु आमे फंगस रे देखिबा जाइगोट रे मेयोसिस हबो सो दिस टाइप ऑफ मेयोसिस इज नोन एज जाइगोटिक मेयोसिस सो इन फंगाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्यूस बाय द थ्री डिफरेंट स्टेप फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगेमी सेकेंड वन इज कैरियोगेमी थर्ड वन इज न्यू मेयोसिस तो प्रथमे कौन हुए ना दीटा अपोजिट स्ट्रेन रो सेल कौन करती आसिकी फ्यूज करती फ्यूज कला परे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से माने फ्यूज करती हम परवर्त समय देखिबा फ्यूज कला परे से मानकर प्रोटोप्लाज्म टी फ्यूज हो जाए फ्यूज हला परे से मानर डाइकैरियोटिक कंडीशन तैयार करती एवं से स्टेप को हमें कहूँ प्लाज्मोगेमी तो प्लाज्मोगेमी इज द प्रोसेस बाय विच प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट सेल फ्यूजेज टू फॉर्म ए डाइकैरियोटिक कंडीशन तो जो केस रे गोटे सिंगल प्रोटोप्लाज्मिक सेल तैयार हो जो भितर कौन हुए ना दुईटी न्यूक्लियस लागिक थाए जहाँ आम डाइकैरियोटिक कंडीशन बोली कहू नेक्स्ट स्टेप इज कैरियोगेमी तो आफ्टर द प्लाज्मोगेमी द टू न्यूक्लियस ऑफ द अपोजिट स्ट्रेन फ्यूजेस टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द कैरियोगेमी एज ए रिजल्ट ऑफ कैरियोगेमी देयर इज ए जायगोट रिजल्ट्स एंड विच कंटेन्स न्यूक्लिक मटेरियल ऑफ द टू डिफरेंट स्ट्रेन so it is diploid in nature and after the process of karyogamy there is a result in the process of the meiosis and after meiosis of the zygote they forms different types of four different types of meiospore and these meiospores are very very important for the fungus according to the meiospores there are different types of meiospores are occurs in fungus one is ascospore basidiospores and basing on this characteristic meiospore to am agoku dekhiba ei meiospore anusare tor fungus manaku different different class re classify kara hai ebam ei plasmogamy ro type anusare puni thare fungus ku bahut prakara reproduction different type ro kara jaichi to based on the method of fusion of the protoplasm the sexual reproduction in fungus are classified into following category फर्स्ट वन इज प्लानोगेमेटिक कपुलेशन तो जो मेथड रे दीटा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन रो मोटाइल गैमेट भितर फर्टिलाइजेशन हुए बा फ्यूजन हुए ताकु आमे प्लानोगेमेटिक कपुलेशन बोली कहू तो एक क्षेत्र रे कौन हुए ना प्लस बा अपोजिट स्ट्रेन से तार मोटाइल गैमेट तैयारी करे एवं माइनस बा अपोजिट स्ट्रेन से तार गोटे गैमिट तैयारी करे एवं से गैमिट रो परवर्ती समय फर्टिलाइजेशन हुए फ्यूजन हुए प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हला परे प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी मेयोसिस हुए एवं से मोटाइल गैमिट मानकर नेचर अनुसार पुणी थरे प्लानोगेमेटिक कपुलेशन तीन प्रकार गोटे होची आइसोगेमी एनआइसोगेमी आउट होची ओगेमी जदि दुईटा जाक स्पर मोटाइल एवं सिमिलर साइज रो ताको आमे कहजु आइसोगेमी जदि गोटे फीमेल गैमिट बड़ मेल गैमिट सान एवं उभय मोटाइल ताल ताको हम कहो एनआइसोगेमी एवं जदि फीमेल गैमिटा बड़ एवं नॉन मोटाइल मेल गैमिटा सान एवं मोटाइल ताल ताको हम कहो ओगेमस ओके नेक्स्ट वन इज गैमेटांजियल कांटेक्ट तो किछि किछिडा जगह रे कौन हुए ना वेजिटेटिव हाइपा मॉडिफाई हो जाए स्पेशल टाइप रो स्ट्रक्चर तैयार करे जगह हम कहो गैमेटांजिया परवर्ती समय रे दुईटा अपोजिट स्ट्रेन रो फंगस रो गैमेटांजिया परस्पर निकट को आसंती एवं निकट को आसला पर से माने कांटेक्ट रे आसंती
आपण मैंने चित्र देखिपे भेजिटेटिव हाइपा कन्वर्ट हो जाए आपण गेमेटांजिया दुईटा अपोजिट स्ट्रेन रण करती गेमेटांजिया परस्पर कंटाक्ट आसती जो कंटाक्ट आसती जो कंटाक्ट पॉइंट अच्छी से कंटाक्ट पॉइंट परवर्त समय डिजल्व कर जाए डिजल्व कलापर दुईटा जाक तुम गेमेटांजिया कंटेन्ट आसिक प्रोटोप्लाज्मिक कंटेन्ट मिसे जो जहाँफल कि गोटे डाइकैरियोटिक कंडीशन तैयारी करती गेमेटांजियल कंटाक्ट मुख्यतः आल्बुगो आस्पेरेजिलस और पाइथियम भाई फंगस देखा जाए। नेक्स्ट हूँ गेमेटांजियल कपुलेसन। सो इन दिस प्रोसेस फ्यूजन अफ एंटायर कंटेन्ट अफ टू गेमेटांजिया अक्यूर्स बाय द डिजल्यूशन अफ द कमनवेल एट द पॉइंट अफ कंटाक्ट। यही क्षेत्र में भी सेने करती स्पेशल टाइप रो वेजिटेटिव हाइपा मोडिफाई हो कि तुम गेमेटांजिया तैयारी करती एवं दुटा अपोजिट स्ट्रेन रो गेमेटांजिया परवर्त निज निज भर मिशंती ये कौन हुए दुटा जाक गेमेटांजिया एंटायर प्रोटोप्लाज्म आपण मानक फ्यूजन हुए जो फल गोटे डाइकैरियोटिक कंडीशन तैयार हुए और से गोटे स्पेशल टाइप रो स्पोर प्रोड्यूस करती। गेमेटांजियल कपुलेसन मुख्यतः म्यूकर राइजोपस एवं ईस्ट वाली फंगस मानक देखा जाए। सो नेक्स्ट हूँ स्पर्माटाइजेशन। तो स्पर्माटाइजेशन कौन ना ये कौन हुए ना दुटा अपोजिट स्ट्रेन रो फंगस डिफरेंशिएटेड हूँ मेल जो माने थांती से मानो क्षेत्र से माने आउटसाइड किसी स्मॉल गेमिट लाइक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर तैयारी करूँ जहाँ आम स्पर्माटिया बोली कहूँ ये स्पर्माटिया पवन माध्यम कि जल माध्यम ये उड़ी 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 जाइकी तुम फीमेल गेमेटांजिया कंटाक्ट आसे फीमेल गेमेटांजिया कंटाक्ट आसला फर्टिलाइजेशन हुए और फर्टिलाइजेशन होने कौन करते ना डाइकैरियोटिक कंडीशन तैयारी करती मुख्यतः बेसिडियोमाइसेटिस ग्रुप ऑफ फंगी रे ए प्रकार रिप्रोडक्शन देखा जाए। नेक्स्ट होती सोमाटोगेमी। तो बेसिडियोमाइसेटिस रो ग्रुप रो जो फंगस अछंती सेमानो क्षेत्र रे प्राइमरी माइसिलियम जो थांदी दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड सेमानो क्षेत्र रे कौन हुए ना दीटा प्राइमरी माइसिलियम कौन करती सेई हाइपारो किंबा अपोजिट से माइसिलियम रो कि अपोजिट माइसिल अलग माइसिलियम रो दीटा वेजिटेटिव हाइपा परस्पर मध्य कंटाक्ट करती कंटाक्ट करके सीए से भितर तुम फर्टिल फ्यूजन हुए और से गोटे अलग स्ट्रक्चर तैयार हुए मुख्यतः ये जो सोमाटोगामी बेसिडियोमाइसेटिस ग्रुप ऑफ फंगस देखा जाए। सो ये थिला आपण मानकर जनरल कैरेक्टरिस्टिक जदि आपण माने आम सहित रहीकि पढ़ापी चाहूँगी ताल आपण माने आम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे जो थे आम डेली बेसिस रे आपण मान सहित डिस्कशन करुचु एवं ऑनलाइन रे जूम आप एवं गूगल मीट जरिए क्लास नौचु एवं ता सहित आपण माने नोट्स भी प्रोवाइड करुचु यदि आपण माने जॉइन करिया चाहूँ तार कौन कॉस्ट नहीं जार लिंक आपण मान डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी आपण जाकि जॉइन करेंगे। तो पुणी थरे देखा हबो आ गोटे वीडियो रे सेति पर्यंत विदा नौची रहौची नमस्कार।